भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव, लेकिन मोहन यादव तीसरी पंक्ति से एकदम से पहली पंक्ति में कैसे आ गई खोले के। हर तरफ कयासों को दौर अभी भी है, अभी भी लोग ये बात खोले के अचंभित हैं कि आखिर जो हो कैसे गौ। लेकिन कछु जोई अचंभा कल खुद मोहन यादव को भाव तो और एक प्रत्यक्ष प्रमाण की पूरी कहानी देखो आप। दरअसल कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के ऐलान के पहले सभी विधायकों को फोटो सेशन भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और ये फोटो सेशन में तीसरी पंक्ति में यानी बहुत पीछे की पंक्ति में चुपचाप से बैठे थे मोहन यादव। यानी उनको खुद पतो नहीं हतो के उनके संगे का होवे वालो है। इके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक शुरू हुई तो उनमें भी वे पीछे की पंक्ति में बैठे थे, और यही पंक्ति में उनके एक तरफ बैठे थे छतरपुर जिला के बिजावर से विधायक राजेश बबलू शुक्ला, दूसरी तरफ बैठे थे छतरपुर जिला के राजनगर से विधायक अरविंद पटेरिया। जो तस्वीर आपके सामने है जी में, जे दो ही विधायक अगल बगल बैठे हैं, और आगे बैठे थे विधायक संजय पाठक। और इन तीन ही विधायकों की जुबानी हम आपको बता रहे कि जो पूरा घटनाक्रम का हो, जब मोहन यादव को अचानक से बताओ गो कि भैया आप ही के नाम पे मुख्यमंत्री पद को ऐलान हुए वारो है। सचिन भाई यह तो आए भारतीय जनता पार्टी में कि हमारे जो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता होते जिन्हें खुदा ही नहीं मालूम वो काया बने वाले हैं, और यह आज भाव फिर के देश में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है। लोग चौंक जाते हैं कि अरे यार कैसे बन गए, कभी राष्ट्रपति के पद में, कभी मुख्यमंत्री के पद में, कभी मंत्रियों के पद में, और आज फिर है मेरे का होगा कि एक तो छोटे से कार्यकर्ता जो हमारे साथ ही विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, और साथ बैठे रहे आज आदरणीय मोहन यादव जी। मैं सबसे पहले उन्हें बधाई दे दूँ, हमारे दो ही जन साथ बैठे रहे और करीब 2-2.5 घंटे हमारे बैठे साथ में चाय नाश्ता कर। मोहन यादव जी हमारे पीछे बैठे रहे जब उनका नाम घोषित भाव है, और उनका एक को आभास नहीं रहो कि वह बने वाले। तो जैसे शिवराज जी ने आज उनका प्रस्ताव धरा कि मोहन यादव जी बनिए, हम प्रस्ताव रखते हैं, वो खुद ही चौके तर भी देखने लगे कि यार मोहन नाम आगा। मतलब यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का लाने भारतीय जनता पार्टी बड़ा पद बड़ा सम्मान देके और उनके नेतृत्व में काम करा के एक छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बना देती है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हम अरविंद के बीच में बिराजे थे। अच्छा, मोहन यादव जी जब जब घोषणा भाई तो बे हम दो की शक्ल देख रहे थे, उन्हें भी पतो ना तो के बड़े गौर से हम तीनों जने सुन भी वाले थे कि की को नाम आ रहो, की को नाम आ रहो। एकदम से उनके आ गो, एक तरफ हम बैठे थे, एक तरफ अरविंद भाई बैठे थे, बीच में बैठे थे अरविंद भैया, एकदम से चौंकाए वालो नाम आओ तो कैसो है निर्णय? भैया निर्णय चूंकि शीर्ष नेतृत्व न रहो है तो हम सब विधायक उन निर्णय में सहमत हैं। निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता हाँ पार्टी ने मौका दो है, और जो केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता अभी मुख्यमंत्री बनाया जा सकते हैं। भाई जो है अभी आप विधायक बन के आए और अब ऐसे बड़ी अप्रत्याशित निर्णय, आज कैसे लगे? सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही होता है, और हम सबका सौभाग्य भी है कि जब माननीय मोहन यादव जी बैठे थे विधायक दल की बैठक में तो हमारे बगले में बैठे थे पटेरिया जी, हम लोग सब बैठे थे। ये सौभाग्य हम सब लोगों के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय है सबके लिए अच्छा निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो बढ़िया आज सोच रहे हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, अच्छा निर्णय है। ये ऐलान के बाद एक और घटनाक्रम बहुत, दरअसल जब मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे वे दो बेर जो है मोहन यादव को नाम कछु और बोल गए, गलत बोल गए। के बाद भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दो ही जनन ने मनोहर लाल खट्टर को की भूल सुधार करी और मोहन यादव को जो है नाम बोले गओ। मोहन यादव को कछु समझ में नहीं आओ, वे एक बेर तो उठे ही नहीं यहाँ, दूसरी बेर फिर मोहन यादव बोले गओ, तब जाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि मोहन जी अब उठ जाओ, आप ही बनने वाले हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ई के बाद पूरे के पूरे हॉल में एक तरीके से शांति छा गई। तब ही भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बोले कि तालियां इतनी जोर से बजाओ कि दिल्ली तक की गूंज सुनाई दे। तब पूरे के पूरे विधायक दल ने जोर से ताली बजाई और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। और एक कदम के संग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से साफ कर दो कि
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू करने वाले संघ के जरिए राजनीति में आए मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि एक साहसिक निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह बात साबित करने की कोशिश करी है कि हम कौनों भी आम से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर पहुँचा सकते हैं। संघ ही मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने को संदेश उत्तर प्रदेश और बिहार तक है, जो भी तय मानियो। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।